हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के दूसरे भाग, जो कि हमारा उपसर्ग का भाग दो वीडियो है। और इसके अंदर हम उपसर्ग के दूसरे भाग यानी कि हिंदी के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं और उसके उसका जो पहला भाग है यानी कि संस्कृत के उपसर्ग, इनके बारे में पढ़ा था। तो आइए जानते हैं हिंदी के कुछ उपसर्ग और उनके उनके अर्थों को, कि जो हिंदी के उपसर्ग उनका मीनिंग क्या है और उनसे जो शब्द बनते हैं कैसे शब्द होते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं। अभी हम लिखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग, और अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के ये उपसर्ग का दूसरा भाग है उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। अब इसमें हम लिख लेते हैं, जिसे हमने यहां पे लिखा उपसर्ग, उनके अर्थ और उनके कुछ उदाहरण। उदाहरण, उदाहरण हमने यहां लिख लिए। अब इसमें हम पहला उपसर्ग लेते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया यहां पर अ। आ का मतलब होता है अभाव। उदाहरण लेते हैं अहिंसा, अमर, अज्ञान। यह अ जो है वो उपसर्ग है। ऐसे अब हम दूसरा उपसर्ग लेते हैं, इसके बाद हम लिख लेते हैं जैसे कि अन। अन का मतलब होता है के बिना, के बिना। अन उपसर्ग है और इसका मीनिंग है के बिना। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अनजान, अनमोल, अनजान, अनमोल, अनपढ़। अब हम ऐसे तीसरा उपसर्ग लेते हैं, जैसे कि मैं यहां ले देती हूं अध। अध, अ, धा, अध। अध का मतलब होता है आधा, आ, धा, आधा। अब इसके हम जो है कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसे हमने लिखा अध खिला, अध खिला यानी आधा खिला हुआ, अध पका यानी कि आधा पका हुआ, आधा कच्चा है ना, अध पका। और अधमरा, अधमरा। अब हम एक और शब्द लेते हैं, जैसे उपसर्ग लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा नी। नी का मतलब होता है के बिना, नी के बिना। अन का मतलब भी के बिना, नी का मतलब भी के बिना। यहां पर अन और नी दोनों का जो अर्थ है वो जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, के बिना, दोनों का ये मीनिंग है। अब नी का भी हम जो कुछ शब्द देखते हैं, जिसे हमने लिखा निडर, निरोग, निडर, निरोग और निहत्था, निहत्था, निहत्था। अब हम पांचवा उपसर्ग देखते हैं, जिसे कि मैं लेती हूं स। सा जो है उपसर्ग है और इसका मीनिंग होता है सहित, सहित, सहित के हम शब्द देखते हैं, जैसे सजल, सपरिवार, सपूत। अब यहां पे जो छठा उपसर्ग लेकर देखते हैं अब हम, हाँ, जैसे कि हम लिखते हैं क। क का मीनिंग का जो मीनिंग है वो होता है बुरा, क यानी के बुरा।
बुरा। इसके हम देखते हैं जिसे कपूत कलयुग, कल युग। ऐसे अब हम यहां पर एक और उपसर्ग देखते हैं जैसे लेकर, जैसे कि मैं लेती हूं चौ। चौ जो है उपसर्ग है, इसका मीनिंग होता है चार। जैसे चौराहा, चौ रा हा, चौपाल, चौमास, चौमास आदि। इन्हें एक बार पढ़ के देखते हैं। अ अभाव, अहिंसा, अमर, अज्ञान। अन यानी के बिना, अनजान, अनमोल और अनपढ़। अध यानी के आधा, अध लिखा, अध पका, अध मरा। नी यानी के बिना, निडर, निरोग, निहत्था। स सहित, सजल, सपरिवार, सपूत। क बुरा, कपूत, कलयुग। चौ का मतलब होता है चार, चौराहा, चौपाल और चौमास। तो आइए इसके बाद हम कुछ और जो है हिंदी के उपसर्ग लिखकर देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं पर। पर, पर का मीनिंग होता है दूसरा या पराया, पराया या दूसरा, पराया या दूसरा। जैसे परदेश, परलोक, परोपकार आदि। पर देश यानी दूसरे देश, पर लोक और परोपकार, परोपकार यानी दूसरे पर किया गया उपकार। अब हम यहां पर जो एक शब्द और उदाहरण लेकर देखते हैं। भर, भरा, भर। भर का मीनिंग होता है पूरा, भर का मीनिंग है पूरा। जैसे भर, भर पेट, भर सक, भर पूरा, भर पेट, भर सक, भर मार, भर मार। अब हम यहां पर जो है एक शब्द लिखकर देखते हैं। उन, उ, ना, उन। जहां पर एक कम होता है उसे हम कहते हैं उन। एक कम जैसे कि 59, 39, 29 कुछ भी। उन 59, उनतीस। पर देखते हैं, अब हमने लिख दिया अन, अन, अन। अन का मतलब होता है निषेध, मना करना, निषेध, निषेध। जिसे करते हैं अनपढ़, अनहोनी, अनावश्यक, अन पढ़, अनावश्यक, अनावश्यक अनहोनी, अनहोनी। अब इनको हम पढ़ के देखते हैं। पर, पराया दूसरा, परदेश, परलोक, परोपकार। भर, पूरा, भरपेट, भरसक, भरमार। उन यानी कि एक कम, 59, 39, 39, 79, 19। अन, अन यानी कि निषेध, हम मना करते हैं, निषेध। अन का मतलब होता है निषेध, अनपढ़, अनावश्यक और अनहोनी। तो ये थे हिंदी के उपसर्ग। अपने अगले वीडियो में हम विदेशी भाषाओं के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान और मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो अगर आपने
उपसर्ग और उसके पहले विधि यानी संस्कृत के उपसर्ग के बारे में नहीं पढ़ा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं ताकि आप उपसर्ग और उसके भेद के बारे में जान सकें, क्योंकि उनको जाने बिना हम हिंदी के उपसर्ग नहीं जान सकते, या फिर इसके बाद जो हम भेद पढ़ने वाले विदेशी भाषाओं के उपसर्ग उन्हें भी समझना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हें पढ़िए और मन लगाकर हमेशा पढ़ते रहिए।